हर महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी नवरात्रि यानी कि छठी नवरात्रि के देवी कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि तो पांचवी होगी, लेकिन देवी की पूजा छठी नवरात्रि की देवी की पूजा होगी। कारण यह है कि इस बार एक तिथि का लुप्त हुआ है और इसलिए पांचवें दिन छठी देवी कात्यायनी का पूजा होगा। पूजा कब करना है यानी कि पूजा का शुभ समय क्या है, हमारे शास्त्र में देवी कात्यायनी की पूजा के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा है वो भी जानेंगे, मंत्र कौन सा जपें, भोग क्या लगाएं, माँ को किस रंग के वस्त्र पहनकर आराधना करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, शास्त्र अनुसार कहा गया है कि देवी कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। देवी की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और छठी विभूति जो है माँ कात्यायनी को कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाई। शास्त्रों के अनुसार जो दुर्गा भक्त छठी नवरात्रि को माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी को विशेष प्रिय जो है वो है शहद। माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर से युद्ध करने के पश्चात माँ जब बहुत थक गई तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का वध कर दिया। माँ कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए उन्हें शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। यदि पान अर्पित नहीं कर सकते हैं तो एक कटोरी में, यदि चांदी की कटोरी हो तो और अच्छा, माँ को शहद भरकर भोग लगाएं। शहद लगाने से भोग रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है और आपकी कांति निखरती यानी कि सौंदर्य में वृद्धि होती है। जिन बच्चियों के विवाह में देरी हो रही यानी कि यदि उनका जो कहें कि व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है और उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाने से देवी की विशेष कृपा होती है। माँ कात्यायनी के जप का आज मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं कात्यायने नमः। तो आप इस मंत्र को जपें और यदि आप कोई अन्य मंत्र पहले से जपते आ रहे हैं तो आप उस मंत्र को जपें। आज के दिन मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया माँ कात्यायनी का स्वरूप जरूर ध्यान करें। माँ कात्यायनी की पूजा से बहुत सारे लाभ होते हैं, उसमें एक लाभ और है, इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और गुरु ग्रह के मजबूत होने से जीवन में यश कीर्ति धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन विद्यार्थी हैं तो भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। विवाह योग्य कन्याएं हैं, विवाह में विलंब हो रहा है तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। यदि वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। सब मिलाकर कहूँ तो माँ कात्यायनी की पूजा जीवन में शुभ फलदायक होती है, इसलिए माँ की पूजा आराधना जरूर करें। पांच प्रकार की मिठाई को अभी आज के दिन माँ को भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी की साधना जो है वह गोधूली काल में किया जाता है यानी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गोधूली काल यानी कि शाम का समय होता है जिस समय आप दीपक जलाते हैं उस समय माँ कात्यायनी की पूजा आराधना शीघ्र फलदायी होती है। धूप घी दीप गुग्गल इत्यादि जलाकर माँ की काम जो पूजा है वो करें, इससे संपूर्ण बाधाएँ दूर होती हैं, भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो भक्त माँ को पाँच प्रकार की मिठाई को भोग लगाकर और कुंवारी कन्याओं में से वितरित करते हैं यानी कि आपकी विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो पांच प्रकार की मिठाई ले लें, वो मिठाई यदि सफ़ेद हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ये भोग लगाने के बाद छोटी बच्चियों में यदि आप इन्हें बांटते हैं तो विशेष माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। दोस्तों, कहा गया है कि विवाह के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं और जब गुरुदेव मजबूत होते हैं, गुरु बृहस्पति कुंडली में मजबूत होते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसा आप जरूर करें और उन बच्चियों को मिठाई खिलाने से आपके विवाह में बाधा आती है वो दूर होती है।
व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन भी अर्जित करता है। यदि 5 प्रकार की मिठाई भोग लगाने के उपरांत बच्चियों में बांटी जाए, यदि आपके घर ही कोई छोटी बच्ची हो तो आप उसे ही खिलाएं, लेकिन ज़रूर खिलाएं, क्योंकि नवरात्रि में 8 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां देवी माँ का स्वरूप मानी जाती हैं, तो जो भी संभव हो वो अवश्य करें, इससे माँ की कृपा बरसती है। तो गोधूली काल में माँ की विशेष पूजा आराधना करें और ये उपाय जो मैंने बताया मिठाई वाला वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे धन की प्राप्ति होती है, गुरुदेव मजबूत होते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, दाम्पत्य संबंधी जो समस्याएं यानी कि पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं, तो सारे लाभ आपको माँ कात्यायनी की पूजा से प्राप्त होती है। अब बात करें कि किस रंग का वस्त्र पहनकर आपको आज के दिन माँ की आराधना करनी है। दोस्तों, पीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करना है। यदि आप शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की आपके कमी चल रही है, हलचल चल रही है, तो माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र जप जरूर करें, क्योंकि मैंने एक मोटे शब्दों में आपको बताया इससे गुरु मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन के कारक गुरु ग्रह ही माने जाते हैं, तो उनके मजबूत होने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, तो ये काम जरूर करें। पीला वस्त्र पूरे दिन धारण कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ पूजा के समय पीला वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें, पूजन करें। आज के दिन जो माँ को दीपक जलाएं उसमें थोड़ा सा इत्र डालें। दोस्तों, ये उपाय करने से जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, धन संबंधी कठिनाइयाँ हैं, वो दूर होती हैं। तो माँ को शहद का भोग लगाएं, इससे आपको सौंदर्य की प्राप्ति होगी और सौंदर्य हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसका सौंदर्य मनमोहक हो, तो यदि जीवन में इन सारी चीज़ों की लालसा है तो माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के दिन यदि नहाने के जल में थोड़ा सा शहद डालकर स्नान किया जाए तो उससे भी सौंदर्य निखरता है, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है, तो ये काम आज जरूर करें। देवी कात्यायनी के मंत्र का जप करें, उनका ध्यान करें, जितना हो सके माँ की पूजा आराधना और उनके ध्यान में बिताएं। दोस्तों, एक गलती होती है जो यदि नवरात्रि में आप कर देते हैं तो मिथ्या भाषण से हमें बचना चाहिए, यानी कि झूठ बोलना, दुराचार करना इत्यादि कर्मों से बचना चाहिए। आप व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्रत रखते हुए तो बिल्कुल भी इस तरह के अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं रखते हैं तो भी यह नवरात्र का दिन बहुत पावन माना जाता है, इस समय अनैतिक कार्यों से दूरी बना करके रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो, मधुर हो, इसके लिए 9 दिनों तक माँ की आराधना करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। धन संबंधी यदि इच्छा है तो महा उपाय में आपको मैं बताती ही जाती हूँ। आज 5 मिठाई चढ़ा करके मैंने बताया वो उपाय धन के लिए भी किया जाता है, तो ऐसा करके माँ की विशेष कृपा के भागी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ कि आप उससे लाभान्वित होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ें। बाकी मैं प्रार्थना करूंगी माता रानी सबके जीवन में बहुत 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 खुशियां रखे, ऐसी हुई कामना करती हूं माता से। माता आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियों के भंडार खोलें और माता रानी की कृपा जो है इस समय धरती पे बरसती है, इसका संपूर्ण आनंद लें, माँ को मनाएं, जितना हो सके माँ की आराधना और पूजन में ही समय बिताएं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।